हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन टीएसपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोग के इस वीडियो में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के कुछ शेष जो क्वेश्चन बचा हुआ था वो आपको हम करवा रहे हैं। और आपको बता दें कि ये क्वेश्चन जो आपका एनसीईआरटी 5.7 एक्सरसाइज का है, इसलिए आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे एवं चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और आपको एक बात और बता दें कि डिफ्रेंसिएशन लगभग आपका ख़त्म है, आप लोग का ये जो लास्ट ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो चल रहा है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चलेगा। तो आप लोग कमेंट करके बताएं क्या आपको एनसीईआरटी का सलूशन ज़रूरत है या नहीं। अगर है तो कमेंट में करेंगे यस एनसीईआरटी सर करवा दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। तो आप लोग के डिमांड के अनुसार हम वीडियो बनाएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का जो प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि वाई बराबर टेन वर्स एक्स का होल स्क्वायर, तो दिखाइए कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई टू प्लस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई वन बराबर टू। आपको पिछले वीडियो में हम एक बताया थी कि वाई टू का मतलब क्या हुआ, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और वाई वन का मतलब डी वाई बाई डी एक्स। कहीं कहीं डी वाई बाई डी एक्स नहीं देखा वाई वन, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ने देखा, क्या देगा आपको वाई टू देगा। तो देखिए इसको हम लोग बनाते हैं, यहाँ से देखिएगा, सीखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इसका सोल्यूशन करते हैं, क्या है हम लोग के पास वाई बराबर टेन वर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये हम लोग के पास गिवन है। अब देखें, अब यहाँ से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स कैसे निकलेगा, तो टेन वर्स एक्स का होल स्क्वायर, तो ये पहले पावर काम, तो पावर आ गएगा तो टू टेन वर्स एक्स, और फिर टेन वर्स एक्स का वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स बराबर टू टेन इनवर्स एक्स बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेशन वन मान लीजिए। अब देखिए फिर यहाँ से डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, फिर क्योंकि इसमें डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ वाई टू चाहिए ना, तो यहाँ से क्या करना है कि बहुत स्टूडेंट यहाँ से डायरेक्ट करते हैं, लेकिन इसको ऐसे नहीं करना है, वन प्लस एक्स स्क्वायर ना इसको इधर ले आइए, तो डी बाई डी एक्स इंटू क्या जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर क्या टू टेन इनवर्स एक्स, ऐसा आ गया। फिर लिखेंगे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कॉल आ गया था। तो देखिए डीवाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर टू टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब फिर डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, अब हम फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन को छोड़ देंगे गुणा वाला रूल। अब डी वाई बाई डी एक्स को करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर के क्या हो जाएगा वन, सॉरी एक्स स्क्वायर के टू एक्स और वन का जीरो, फिर इधर टू और टेन इनवर्स एक्स का वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस ये हो गया आपका टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर टू बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस वन प्लस एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना करा दीजिए, तो देखिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन ये अगर इंटू हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस, फिर ये इसके साथ गुना हुआ तो टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी वाई डी एक्स बराबर इधर बच जाएगा टू। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर और डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या वाई टू, और टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन और डी वाई डी एक्स की जगह पे वाई वन बराबर क्या टू, ये आपका प्रूव हो गया। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए स्क्वायर होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन वाई टू प्लस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई वन बराबर टू, यहाँ पर आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई वन बराबर टू, ये आपका क्या हो गया प्रूव हो गया। मुझे कि यह प्रश्न आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। आज का दूसरा प्रश्न है,
ये सब आपका एक्सरसाइज 5.7 का है एनसीईआरटी का, आप लोग जरूर बनाइएगा। तो यदि y बराबर कॉस इनवर्स x, तो y के पदों में डी टू वाई बाई डी एक्स का ज्ञात कीजिए। तो देखिए y बराबर कॉस इनवर्स x, यहाँ पे एक हिंट्स दिए हुए हैं कि क्या कि y के पद में ज्ञात करना है। अगर यहाँ से हम डी वाई डी एक्स निकालेंगे तो कॉस इनवर्स x का हो जाएगा -1/√1 − x², तो वो आंसर आपको x के टर्म में आएगा, लेकिन हमको y के टर्म में ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए तो y के टर्म में ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना है विशेष, कॉस इनवर्स x को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस y बराबर क्या है यहाँ x, अब डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कॉस y के माइनस साइन y, और y है तो क्या है डी वाई डी एक्स, और x का क्या हो जाएगा 1, तो डी वाई डी एक्स बराबर हो जाएगा -1/sin y, और -1/sin y हो जाएगा आपका -cosec y। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ये छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन कंफ्यूज कर देता है कभी कभी एग्जाम में, ये सब आ जाता है। तो क्या किए हम लोग, y बराबर cos इनवर्स x, तो यहाँ से x बराबर cos y निकाल लिए, उसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर दिए, आपका आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, अब हम लोग प्रश्न देखेंगे, ये भी आपका एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी क्वेश्चन ये आएगा तो आपका लॉन्ग में आएगा। क्या है कि यदि y बराबर a e के पावर m x प्लस b e के पावर n x, तो दिखाए कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम इंटू एन वाई बराबर क्या 0। तो देखिए यहाँ y बराबर क्या है, a e के पावर m x प्लस b e के पावर n x, यहाँ से देखिएगा ये y है, तो यहाँ से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। देखिए ए है तो ए कॉन्स्टेंट है, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, और फिर एम एक्स का क्या हो जाएगा एम चेन रूल से, प्लस बी ई के बी के कॉन्स्टेंट, ई के पावर एन एक्स के ई के पावर एन एक्स, और एन एक्स के ए, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ए में एम से गुणा करेंगे तो ए एम ई के पावर एम एक्स प्लस बी इंटू एन ई के पावर एन एक्स, समीकरण एक, समीकरण एक हो गया। फिर हमको डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, तो देखिए फिर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ ए एम कॉन्स्टेंट है तो ए एम कॉन्स्टेंट, ई के पावर एम एक्स के तो ई के पावर एम एक्स, और फिर एम एक्स के एम चेनूल से, और यहाँ पे हो जाएगा बी एन ई के पावर एन एक्स के ई के पावर एन एक्स, और एन एक्स के एन, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ए एम में एम से एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स प्लस बी में एन से बी एन में एन से एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स, समीकरण दो। अब ध्यान से देखिएगा हमको क्या प्रूव करना है, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई डी एक्स, मतलब डी वाई डी एक्स के साथ क्या है आपको एम प्लस एन गुना में है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक में, समीकरण एक में एम प्लस एन से गुना कर देंगे, अलग निकाल लेंगे अच्छा रहेगा, से गुना करने का। देखिए अगर हम गुना करेंगे समीकरण एक में, तो एक है क्या डी वाई डी एक्स है, तो इधर भी क्या हो जाएगा एम प्लस एन से गुना हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स, अब देखिए ये दोनों में एम प्लस एन से गुना करना है, तो इसमें भी एम प्लस एन से गुना हुआ, तो एम प्लस एन इंटू ए एम ई के पावर एम एक्स प्लस, फिर इसमें भी एम प्लस एन से बी एन ई के पावर एन एक्स, अब देखिएगा सही, तो ये हो गया एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखिए ए एम में एम से गुना करेंगे तो ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स प्लस, फिर ए एम ए एम से एन में गुना करेंगे तो ए एम एन ई के पावर एम एक्स, फिर एम से बी एन में गुना करेंगे तो बी एम एन ई के पावर एन एक्स, और इसमें गुना करेंगे तो बी एन से एन एन स्क्वायर ई के पावर एम एक्स, समीकरण तीन मान लीजिए इसको। अब क्या कीजिए, समीकरण दो में से तीन को घटा दीजिए, देखिए समीकरण दो में से तीन को घटा दीजिए, तो दो क्या है डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, हम देख सकते हैं दो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो डी टू बाई
डी एक्स स्क्वायर और माइनस एक क्या है, तो एम प्लस तीन डी वाई बाई डी एक्स। देखिए दो में से समीकरण, दो में से समीकरण तीन को घटा रहे हैं, इधर है डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, तो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, इसमें से ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स, ए एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स, ये दोनों क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स और बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो आपको बच क्या जाएगा, तो बच जाएगा आपका, ध्यान से देखिए यहाँ पे जैसे इसमें से इसमें घटाएंगे तो ये आपका माइनस में आ जाएगा, तो ए एम एन ई के पावर एम एक्स माइनस बी ए एम एन ई के पावर एन एक्स, ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, तो आप करके भी देख लीजिए रफ में, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर एम प्लस एन इन टू डी वाई डी एक्स माइनस कॉमन लेते हैं एम एन, माइनस एम एन कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जाएगा ए के ई के पावर एम एक्स, माइनस कॉमन लिए तो प्लस बी ई के पावर एन एक्स। अब देखिए डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई डी एक्स बराबर माइनस एम एन, और देखिए ए ई के पावर एम एक्स प्लस बी ई के पावर एन एक्स आपका क्या है प्रश्न है, ए ई के पावर एम एक्स प्लस बी ई के पावर एन एक्स बराबर क्या है वाई, तो हम लोग क्या करेंगे इसके जगह पे वाई लिख देंगे। जैसे ही वाई लिख दिए तो देखिए डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई डी एक्स, माइनस एम इंटू एन वाई है तो इधर आ जाएगा प्लस एम एन वाई बराबर क्या जीरो, ये हो गया आपका प्रूफ। आप देख सकते हैं यहाँ प्रूफ क्या करना था, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई डी एक्स प्लस एम इंटू एन वाई वाई बराबर जीरो, यहाँ पे आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में हम आपको तीन प्रश्न कराए हैं, तीनों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर ले और एक बार अपने से खुद बनाएं। और आपको बता दें कि लगभग आपका डिफ्रेंसिएशन आपका ख़त्म हो चुका है, आप लोग बताएंगे कि एनसीईआरटी का सोल्यूशन कराए या हम आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो चैप्टर है उसको पढ़ा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर कोई छात्र अभी पिछले मेरे सारे वीडियो को नहीं देखे तो ज़रूर सारे वीडियो को देखेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, धन्यवाद।